देखो मेरा इरादा बिल्कुल ये नहीं था। तुम्हारा इरादा चाहे जो भी हो, it is good to help. देखो काजल प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, चाचा जी से झगड़ा हो गया था इसीलिए। हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगा जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनती, मैं नहीं हटूंगा। देखो शायद तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन म्यूजिक म्यूजिक मेरी जिंदगी है, मेरी पसंद है। और गिटार, गिटार के बगैर मैं नहीं रह सकता। लेकिन आज सुबह चाचा जी ने मेरी गिटार तोड़ दी और उसी के साथ मेरे सारे सपने। मतलब तुम्हें ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन एक दिन मैं खेतों में बैठा हुआ एक धुन बजा रहा था। साथ मुझे एक लड़की दिखी और इसीलिए रोज रोज मैं एक धुन बजाता हूँ उस लड़की को ढूंढने के लिए। लेकिन जब आज चाचा जी ने वो गिटार तोड़ दी, मेरा उस लड़की को ढूंढने का सारा सपना खत्म। और इसी गुस्से में मैंने तुम्हें सामान डाल दिया। चलो सब अच्छे अच्छे से हो गया। अब तो सब चाहते हैं कि स्वीटी अपने ससुराल में जाके खुश रहे। अरे क्यों नहीं खुश रहेगी, लोग अच्छे हैं, घर अच्छा है और बंटी उसे बहुत प्यार करता है ना काजल? अरे बेटा तू रो रही है? नहीं को छुपाने से दर्द नहीं छुपता पुत्र, पर तू दिल छोटा मत कर। चमकते सूरज को भी एक दिन ठंडा होना ही पड़ता है, उसको भी एक दिन ग्रहण लगता है। धनराज का गुस्सा भी एक दिन जरूर ठंडा होगा पुत्र। इंसान आसमान में जितना मर्जी ऊंचा उड़ ले, लेकिन पुत्र जब वो थक जाता है ना तो अपनी मिट्टी की ओर ही आता है। धनराज एक दिन जरूर हिंदुस्तान वापस आएगा पुत्र। और काजल बेटे तू भी हिंदुस्तान उसके साथ ही आएगी। वाह मैं तेरी मदद करती। अरे पुत्र दादी मैं तो भूल ही गई, ये मैंने हॉटी वॉक ले लिया था। मैं मार्केट गई थी ना शॉपिंग करने, तो ये पेंडेंट देखकर हॉटी वॉक का ख्याल आ गया, तो इसीलिए ले लिया। ठीक है जिसके लिए खरीदा है अभी जाकर उसको दे दे, उसको भी तो वापस जाना है ना। आओ बैठो। नहीं मैं वो कुछ कहना था। बोलो। मैं आपके लिए कुछ खरीद कर लाई थी। मेरे लिए गिफ्ट? दिखाओ। मुझे पता ही नहीं था कि आपने भी ऐसा कुछ खरीदा होगा। इनफैक्ट जब मैंने ये पेंडेंट देखा तो मुझे सिर्फ आप ही का ख्याल आया। मुझे लगा कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप पर बहुत गर्व करते हैं, इसीलिए। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ होती बुआ, आपको छुपा रही है मुझसे? प्लीज बताइए ना बुआ क्या हुआ।
दरअसल इस पेंडेंट और मेरी काजल का बहुत पुराना रिश्ता है। मतलब ये कि ये पेंडेंट मुझे काजल ने 20 साल पहले गिफ्ट किया था, और बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट तुम भी मेरे लिए लेकर आई हो 20 साल के बाद। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पेंडेंट मुझे काजल ने उस वक्त दिया था जब वो मसूरी छोड़कर बॉम्बे जा रही थी, और तुम भी मुझे उसी वक्त दे रही हो जब तुम यहाँ से दूर जा रही हो। ये सब इत्तेफाक है ना? हाँ, ये सिर्फ इत्तेफाक है। मैंने तुमसे कहा था ना काजल, हर मोड़ पर इत्तेफाक नहीं होते। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है काजल कि हमें इस बारे में इत्मीनान से बात कर लेनी चाहिए। नहीं, काजल बुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है काजल, जरूरत है। इससे पहले कि हम दोनों के रास्ते अलग हो जाए, हमें इस बात पर बात करनी ही होगी। नहीं, हो सकता है जिस मंजिल का रास्ता तुम ढूंढ रही हो वो हमारी इसी बातचीत के बीच में तुम्हें मिल जाए। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोई इशारा नहीं है भगवान का। लेकिन इतना जरूर है कि कोई मुझसे खेल जरूर खेल रहा है। नहीं काजल, भगवान जब भी कोई खेल खेलता है तो उसके पीछे जरूर कोई मकसद होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और वैसे भी मुझे जाना है क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। कल हम लंदन वापस जा रहे हैं हमेशा के। मैंने पापा से प्रॉमिस किया था। बाय काजल। देखो, एक बार मेरी बात। प्लीज, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। देखो, मैं जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सपने में भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा। बस बस, बहुत हो गया। इतनी देर से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, कम से कम मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें अपना पीछा करने के लिए नहीं कहा, और तुमने मुझ पे हाथ भी अपनी मर्जी से उठाया था। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें। देखो, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। सफाई वही लोग देते हैं जिनका दिल साफ नहीं होता। देखो, अगर तुम्हें लगता है ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया तो ठीक है, लो मारो मुझे, मारो, हाँ, निकाल लो अपना गुस्सा, क्योंकि अगर तुम मुझसे नाराज रही तो मेरे मन को कभी चैन नहीं मिलेगा। देव, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो काजल, काजल मेरी बात तो सुनो। प्लीज मी, मेरा हाथ छोड़ो। देव, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम माफी के भी लायक नहीं। काजल मेरी बात तो सुनो, मुंह मोड़ के तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरी आंखों के आगे रहेगा। मेरी माफी तुम पे उधार रहेगी।
हम फिर मिलेंगे। हम एक बार मिले वही काफी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अगर हम टकरा भी गए ना तो भी कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही हमारे कदम पीछे लौट जाते हैं, और तुम भी उन कुछ लोगों में से ही एक। तुम्हारा असली चेहरा आज मेरे सामने आ गया है। You're just a male egoist. एक लड़की से छोटी सी शर्त के हार कर तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आ गए सामने और हाथ उठा दिए। देखो तुम ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है, वो भी मेहमान। अगर मैंने सोच समझ के किया तो ना। तुम समझते क्या हो अपने आप को, किस बात का घमंड है तुम्हें? क्या क्या लगता है तुम्हें कौन हो तुम? तुम कहीं के राजकुमार हो या कोई दुनिया जीत ली है तुमने? सच तो यही है ना कि तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय एक घमंडी इंसान के। और घमंड है भी तो किस बात का? पहले अपनी पहचान बना लो, फिर किसी बात का घमंड करना। देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझ रही। तुम उन लोगों में से हो जो अपने कुएं में मेंढक बनकर तैर तो लेते हैं लेकिन बाहर आकर तालाब में तैरने से डरते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। गुड बाय। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया अपने आप को, हम किस बात का घमंड है? क्या क्या लगता है तुम्हें कौन हो तुम? तुम कहीं के राजकुमार हो या कोई दुनिया जीत ली है तुम? सच तो यही है ना कि तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय एक घमंडी इंसान के। घमंडी इंसान के, घमंडी इंसान के। वो सही कह रही थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई औकात ही नहीं है मेरी, दुनिया के सामने अभी भी मेरा कोई वजूद ही नहीं। तुम उन लोगों में से हो जो अपने कुएं में मेंढक बनकर तैर तो लेते हैं लेकिन बाहर आकर तालाब में तैरने से डरते हैं। सच में कुएं का मेंढक हूं, दुनिया से डर के मैं अपने सपनों का खून कर रहा हूं। डरता हूं मैं बड़े तालाब में जाने से, इसलिए यहां बैठ के लोगों को खाना खिला रहा हूं। पहले अपनी पहचान बना लो, फिर किसी बात का कमेंट कर लो। बहुत हो गया, मुझे अपने आप को साबित करना ही होगा। लेकिन चाचा मेरे सपनों के आगे दीवार बनके खड़े हैं, लेकिन मुझे उस दीवार को लांघना ही होगा। अगर मुझे अपने सपनों को एक मुकाम तक पहुंचाना है तो मुझे चाचा की बात काटनी होगी, अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मैंने आपसे रास्ता दिखाने को कहा था लेकिन आपने तो मुझे और अंधेरे में डाल दिया। इतनी कोशिशों के बाद मैंने आखिर मान ही लिया था कि मेरे साथ जो भी हुआ वो सब एक इत्तेफाक था, लेकिन आपने मुझे एक बार फिर से उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये पेंडेंट मुझे काजल ने 20 साल पहले गिफ्ट किया था। वो पेंडेंट जो मैं हॉटी बुआ के लिए लेकर आई, उस पर मेरी नजर आप ही लेकर गए, वरना मेरा हाथ उस चीज पर कैसे जा सकता है जिस पर आज से 20 साल पहले उसी काजल का हाथ गया था। हो ना हो ये आप ही का कोई खेल है, और मैं इस खेल का मकसद जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप मुझे जिसके लिए आपको इतने सारे इशारे देने पड़ रहे हैं? इन
इशारों का मतलब जानना चाहती हूँ मैं गनू भैया। गनू भैया, आपको मुझे बताना ही होगा। आप ही ने मुझे अंधेरे में डाला है, अब आप ही को मुझे रोशनी दिखानी होगी। इन अंधेरी गलियों से मुझे बाहर निकलना होगा, एक ऐसी दुनिया में कदम रखना होगा जहाँ मेरी काबिलियत को पहचान मिले। लेकिन कहाँ, क्या करूँ मैं जो अपनी काबिलियत को मकाम दिला सकूँ? क्या करूँ मैं, क्या? रास्ता मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया, वो जगह मिल गई जहाँ मुझे पहचान मिलेगी। मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगी उस काजल को ढूंढने जिसका नाम हर रोज मुझसे जोड़ा जाता है, जिसका चेहरा अपने आप मेरे दिमाग में उतर गया है, जिसकी तस्वीर अपने आप मेरे हाथों से बन जाती है। मैं उस काजल को ढूंढने मुंबई जरूर जाऊंगी। मुंबई ही मुझे पहचान देगी, वही मुझे मेरी मंजिल मिलेगी।